watching Exposed India. उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनावों का परिणाम शनिवार को आएगा। ये तो तय है कि जो पार्टी जीतेगी उनकी दिवाली और होली दोनों एक साथ मन जाएगी। इन सभी राज्यों में सबसे अहम है उत्तर प्रदेश, क्योंकि जो भी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपना परचम लहराएगी उसे 2019 में होने वाले आम चुनाव में भी सफलता मिलने की उम्मीद प्रबल हो जाएगी। क्योंकि भारतीय राजनीति में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सियासी राज्य है, इसी को लेकर तमाम मीडिया घराने भी अपना अनुमान लगाने में लग गए हैं कि यूपी में किसकी सरकार बनेगी। अनुमान के मुताबिक अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की घर वापसी हुई तो गोरखपुर से सांसद और फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ को सूबे का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बीजेपी के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक माने जाते हैं और इन चुनावों में उन्होंने मेहनत कर दिखा दिया है कि वे यूपी में बीजेपी की जीत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी और अमित शाह के बाद योगी बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर नजर आए हैं। साथ ही पूर्वांचल योगी आदित्यनाथ का गढ़ माना जाता है। अगर पूर्वांचल में बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली तो योगी आदित्यनाथ सीएम पद के मजबूत दावेदार हो जाएंगे, क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह कहते रहे हैं कि जिस क्षेत्र से ज्यादा सीटें मिलेंगी सीएम उम्मीदवार उसी क्षेत्र का होगा। बहरहाल योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे या नहीं, या योगी की मेहनत कितना रंग लाएगी, इसका फैसला तो 11 मार्च को ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्सपोज इंडिया। हाय गाइस, दिस इज आलिया भट्ट, यू आर वाचिंग एक्सपोज इंडिया, कीप वाचिंग।